हेलो गाइस, सबको राम राम। आज हम लोग पार्ट फोर, पॉलीनोमियल का पार्ट फोर करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे एमसीक्यूज और एसेंशियल रीजनिंग। आज मैंने थोड़े से क्वेश्चन क्वांटिटी में ज्यादा ली क्योंकि मैंने मंडे और वेडनेसडे के वीडियोस नहीं डाले थे, तो आज मैं सारे क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग आज बने रहो। और क्वेश्चन जो दिए मैंने एकदम मस्त क्वेश्चन दिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने आज आप लोग के लिए लिए इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पैराबोला से रिलेटेड। मैं आपको पैराबोला से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, देन आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर करवा देता हूँ ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम स्क्रीन पे जो पैराबोला देख रहे हैं, ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बोलते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और ये इसका ग्राफ है। अगर ये क्यूबिक का होता तो ये कुछ इस टाइप का होता। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का होता तो ये ऐसे करके एक और टर्न ले लेता। ठीक है, आपका सवाल देखो यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है साइन के बारे में। ए बी सी तीनों का साइन, ए का साइन, बी का साइन, सी का साइन, इनका साइन आपको बताना है कि कौन सा इन चार में से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो मैं सब पहले आपको ए के साइन के बारे में पता चलता हूँ कि पैराबोला देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ए का साइन कैसा होगा। तो देखो, ए के साइन के बारे में अगर बात करें तो अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब पैराबोला ऐसे अपसाइड रहेगा, और ए का वैल्यू अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है पैराबोला का जो साइन है वो डाउन साइड रहेगा। तो हमारे इस केस में पैराबोला का जो साइन है वो निगेटिव होना चाहिए क्योंकि पैराबोला डाउन साइड की ओर ओपन हो रहा है। देखो, ये डाउन साइड की ओर ओपन है, खुला हुआ है, और ये अप साइड की ओर ओपन है तो ये अप साइड की ओर खुला हुआ है। तब ए का साइन पॉजिटिव होता है और डाउन साइड होने से ए का वैल्यू निगेटिव होता है। तो हमारे इसमें ए का वैल्यू निगेटिव है, तो हम देखते हैं निगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें है निगेटिव वैल्यू, इसमें भी निगेटिव वैल्यू, इसमें भी निगेटिव वैल्यू, तो ये ऑप्शन तो आप कैंसिल ही कर दो। ठीक है, तो चलो हम आगे देखते हैं अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट सी का साइन समझाता हूँ, हम बी बाद में देखेंगे, पहले हम सी समझ लेते हैं। देखो, पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है उससे सी का पता चलता है। देखो, ये वाई को आप समझो, ओरिजिन से अपसाइड वाई का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से डाउन साइड वाई का जो वाई एक्सिस है उसका जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। अब आपको देखना है पैराबोला किस डायरेक्शन में कट हो रहा है। क्या ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कट हो रहा है, क्या निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, मतलब पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर से जो क्रॉस कर रहा है ना, वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाई एक्सिस के पॉजिटिव जोन में है ना निगेटिव जोन में, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे पैराबोला इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव जोन में है। इसका मतलब है यहाँ सी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। आपको इसी से सी का साइन पता चलता है। अगर मान लो पैराबोला कुछ ऐसा टाइप का होता, ऐसे टाइप का होता, ऐसे ऐसे करके जाता, तो इस पैराबोला ने वाई एक्सिस को कहाँ कट किया होता, यहाँ पे, और ये है ओरिजिन से नीचे का हिस्सा जो कि निगेटिव होता है। निगेटिव इसका मतलब यहाँ पे सी का वैल्यू निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे यहाँ कट हो रहा है, राइट, इस जगह कट हो रहा है। तो यहाँ अगर कट हो रहा है तो ये वाई का पॉजिटिव जोन है, तो सी पॉजिटिव होगा। तो सी पॉजिटिव किधर है, सी का पॉजिटिव इधर है, सी का पॉजिटिव इधर है, सी पॉजिटिव इधर नहीं है, सी पॉजिटिव इधर नहीं है। तो हमारे दो ऑप्शन पूरी तरह से कट गए। अब हमारे दो ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ये दो में से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा आंसर किधर बनता है। अभी इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अब बी का साइन, बी का साइन से हमें फाइनली पता लग जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑप्शन है वो इन दो में से कुछ होगा, क्योंकि पहला दो चीज जो है ना वो कैंसिल हो चुका है, ये दो हमारा कैंसिल हो गया। अभी ये दो ऑप्शन बाकी है, इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा हम ये देखेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, ए का वैल्यू निगेटिव है बिकॉज पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, और सी का वैल्यू पॉजिटिव है बिकॉज पैराबोला कट द वाई एक्सिस एट पॉजिटिव जोन, मतलब यहाँ पे इस पैराबोला ने वाई एक्सिस को पॉजिटिव जोन में कट किया है। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव जोन है और ओरिजिन से नीचे का जोन निगेटिव है। ठीक है, तो सिंस वाई एक्सिस को पॉजिटिव जोन में कट किया तो सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये दो ऑप्शन है। अब हम बी का साइन देखेंगे। ठीक है, तो बी का साइन आपको कैसे देखना है, बी का साइन देखना है ये वर्टेक्स के मदद से। वर्टेक्स इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, मतलब पैराबोला यहाँ से अपसाइड जा रहा है, राइट, जा रहा है ना ऊपर, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद से ये ऊपर जाना बंद हो गया, ये फिर डाउन आना शुरू हो गया, इस तरह से डाउन आना शुरू हो गया, इस तरह पैराबोला डाउन आ रहा है ऐसे करके, राइट। ये इस पॉइंट के बाद हुआ, ये पॉइंट ने डायरेक्शन को टर्न कर दिया, अपसाइड जा रहा था लेफ्ट साइड से, लेकिन जैसे इस पॉइंट को क्रॉस किया ये डाउन साइड जाना शुरू कर दिया, दैट वाई कॉल टर्निंग पॉइंट या फिर वर्टेक्स। सिंस ये एक पॉइंट है तो हर पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट होता है, राइट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कॉमा वाई, राइट। तो यहाँ पर इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ये जो पहला वैल्यू है दिस इज एक्स, और ये जो सेकंड वैल्यू है दिस इज वाई। ठीक है, तो ये हम इसमें जो बी का साइन पता लगाएंगे वो हम एक्स कोऑर्डिनेट के मदद से पता लगाएंगे। तो पहले तो आप इस पॉइंट के बराबर एक्स का वैल्यू पे जाओ, तो एक्स एक्सिस इस पॉइंट से सीधा आप एक्स एक्सिस पे आओ, यहाँ पे आप पहुंचोगे। तो ये जो पॉइंट है ये लाई करता है एक्स एक्सिस के निगेटिव जोन में, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये करना कैसे। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, राइट, और एक्स का यहाँ जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। ठीक
ये किसी भी पॉलिनोमल का अगर वर्टेक्स पता लगाना है आपको, ये इस तरह का पॉलिनोमल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल पॉलिनोमल दिया हुआ है, तो आप उनमें जो एबीसी का वैल्यू होगा वो आप यहाँ पर डाल के पता लगा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो गया फॉर्मूला, तो मैं इसमें एक्स वाला वैल्यू लूंगा, तो एक्स का वैल्यू क्या है, -b/2a, हाँ ये वैल्यू है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, मुझे साइन से मतलब है। ठीक है, निगेटिव में वैल्यू क्या आएगा उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ साइन से मतलब है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अब मुझे निकालना बी का, तो देखो ये कैलकुलेशन बड़ा मजेदार है, तो मुझे ए का साइन पता है पहले से ही, क्योंकि ए देखो यहाँ पे ए क्या मिला था, निगेटिव मिला था, तो मैं अगर जानता हूँ कि ए यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है ए निगेटिव है, और मैं इसमें 2 भी मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो भी निगेटिव होगा, बिकॉज 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और निगेटिव के साथ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करो निगेटिव ही होता है। ठीक है, मतलब अगर ए निगेटिव है तो 2 ए भी निगेटिव होगा, तो -b/-, मैं मुझे साइन से मतलब, मैं रिपीट बोल रहा हूँ, मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है, ए निगेटिव है क्योंकि पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, और ए में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव के साथ कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही आता है, तो 2 ए का वैल्यू निगेटिव है, तो आप निगेटिव डाल दो, राइट साइड में भी निगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, दोनों निगेटिव कट गया, तो इसका मतलब ये बन गया पॉजिटिव, समझ गए, ऊपर नीचे दोनों निगेटिव कट गए तो बन गया पॉजिटिव, राइट साइड में क्या चल रहा है, निगेटिव चल रहा है। अच्छा अब इस पॉजिटिव को आप राइट साइड लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉजिटिव को अगर मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बी का वैल्यू मिलेगा निगेटिव। ओके, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव निगेटिव, तो जब हम पॉजिटिव के साथ निगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा निगेटिव, तो बी का वैल्यू है निगेटिव। इस तरह से बी का साइन हमें पता चला, अजीब है ना कैलकुलेशन, एकदम डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन है ये, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो बी का जो साइन है वो क्या है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो हमें पता लग गया बी का साइन निगेटिव है, अब हमें ऑप्शन यहाँ टिक करना है, तो देखो यहाँ लिखा है बी का साइन पॉजिटिव है, तो ये हमारा कैंसिल हो चुका है, ये ऑप्शन अब गलत हो गया, हमें चाहिए बी निगेटिव, तो ये है बी निगेटिव ये वाला ऑप्शन, तो इसलिए यहाँ पे आप टिक लगाओगे ऑप्शन बी को, तो इस तरह से आप पता लगाओगे। ठीक है, अच्छा आप लोग के माइंड में एक किसी किसी के माइंड में ये सवाल जरूर चल रहा होगा, ये जो वाई के कोऑर्डिनेट में आप कैपिटल डी देख रहे हो, भला ये क्या चीज है, तो डी एक्चुअली होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली, b² - 4ac, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, b² - 4ac, इससे आप पैराबोला का नेचर समझ सकते हो, मतलब पैराबोला का जो नेचर है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा वो पता चलता है, जैसे अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिला, ठीक है 0 से ज्यादा मिला, तो ये इस तरह से दो जगह कट करेगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 0 मिला तो ये एक जगह टच करेगा, मतलब लाइक ऐसे ये पैराबोला ऐसे गया ना, ये यहाँ टच करके ऐसे नीचे आ जाएगा, मतलब जस्ट ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हुआ ना, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ऐसे पैराबोला आया ना, ऐसे करके आया 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 ऐसे चला गया, ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का साइन हमें पैराबोला का स्ट्रक्चर समझाता है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितनी पॉइंट में कर रहा है, 2 पॉइंट में कर रहा है ना, पहले वाले में 2 पॉइंट में कर रहा है, ये पहला वाला का डायग्राम ऐसा होगा, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, सेकंड वाला में ये वाला डायग्राम होगा कि डी इक्वल टू 0 है, तो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके निकल जाएगा, और थर्ड वाला कंडीशन ये वाला है जिसमें अगर डी अगर निगेटिव निकला इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला अगर आप करोगे, ये देखो आपको ए बी सी का वैल्यू आपको पॉलिनोमियल से मिल जाएगा, आप उनको यहाँ डाल के सॉल्व करोगे, और आपको अगर निगेटिव मिलता है तो इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट से आपको पैराबोला का नेचर पता चलता है, और ये डी का जो वी वैल्यू मिलेगा ना इस फॉर्मूला से, वही आपको यहाँ पे डालना है जिससे आपको यहाँ पे वाई का वैल्यू मिल जाएगा, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पता लगाना है किसी क्वेश्चन में, तो आपको पॉलिनोमियल जो भी दिया है ना उसमें ए बी सी का वैल्यू को आप इनमें डाल दो, और ये डी आप इस फॉर्मूले से निकालना है, ये वाला फॉर्मूला, तो इससे आपको डी का पता लग जाएगा, और आप वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पता लगा सकते हो, ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या है, अब आप इन फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, ये फॉर्मूला भी आप लर्न कर लो, मैंने यहाँ पे काफी सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हुए हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले की मदद से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे लिखा है ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पूछा है -b/a क्या है, तो -b/a है सम ऑफ द जीरोस। ओके, और c/a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये होता है, बट हमें तो सिर्फ -b/a पूछा, -b/a क्या है, सम ऑफ द जीरोस, छोटा क्वेश्चन था, चलो टाइम बर्बाद नहीं करते आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा चीज है, रिलेशन वगैरह आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, बोला है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आप बनाओ, आपको जीरोस दिया गया है,
ठीक है, तो अगर ये जीरोस दिया है तो आप सम ऑफ द देखो जीरोस के मदद से अगर आप पॉलीनोमियल बनाना चाहते हो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना चाहते हो, तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, आप उस फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो मैं सम ऑफ द जीरोस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये जो दो जीरोस दिए है ना, एक जीरो को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, और फिर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना, मतलब ये दो चीज हम सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर हम फॉर्मूले में डाल देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, 3/5 हो गया अल्फा, ये आपकी मर्जी, आप अल्फा किसे मान रहे हो, बीटा किसे मान रहे हो, तो अल्फा प्लस बीटा हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम एलसीएम करके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एलसीएम 10 है, 6 -5 यहाँ पे बन रहा है, तो 1/10 यहाँ पे बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, 3/5 × -1/2, तो -6, सॉरी क्या, -6 -3/10 -3/10 यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट। चलो अब हम पॉलीनोमियल में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, देयरफॉर पॉलीनोमियल क्या बनेगा, पॉलीनोमियल है a·x² - सम पे हम वैल्यू डालेंगे 1/10, ठीक है, इंटू एक्स, ये देखो ना सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला 1/10, तो अल्फा प्लस बीटा पे हमने 1/10 डाला, अल्फा इंटू बीटा में मिला -3/10, तो अल्फा इंटू बीटा में हम डालेंगे -3/10, तो -3/10। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम सॉरी यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ, यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल्स ए टाइम्स, तो एलसीएम करते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 10, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 10x², और फिर -1x - 3। अच्छा अब ये जो k होता है ना, k का वैल्यू उतना ही होता है जितना डिनोमिनेटर में होता है, तो k और 10 कैंसिल, तो इसका मतलब पॉलीनोमियल जो है आपको मिल रहा है 10x² - x - 3, और यहाँ पे आप मेंशन कर दो वेयर k = 10। ये मैंने आपको पूरा मेथड दिखा दिया, एमसीक्यू में तो आपको शॉर्टकट करना है, बस कैलकुलेशन जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आप सेम चीज प्रेजेंट, आपको कुछ नहीं करना, आप रफली करो, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरा दे दिया, ताकि आप जब करोगे तो कुछ तो करना होगा ना, क्या करना होगा वो पता होना चाहिए, आप रफली करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, रफली करके आपको विद इन अ मिनट इसे कंप्लीट करना है, तो ये इस तरह से निकाला जाता है, रफली कैलकुलेट कर लो, ये सारा चीज रफली निकाल लो, फॉर्मूले में डाल के देखो क्या आता है। अब हमें देखना है ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है कहाँ पे, यहाँ तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो प्लस एक्स है, और यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे -+3 है, अपने को चाहिए -3, राइट, तो ये रहा हमारा ऑप्शन, आखिरी वाला ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसे आप टिक लगा लो, ये हमारा पॉलीनोमियल बन गया 10x² - x - 3। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 में आपको बोला गया है a·x² + bx + c आपका पॉलीनोमियल है, आपको a+b+c का वैल्यू 0 दिया गया है, देन 1 0 ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, a, b, c यही कोफिशियंट इधर मौजूद है, अगर मुझे ये चीज बनाना है यहाँ पे, तो मुझे इन एक्स को ओमिट करना पड़ेगा, अगर आप इस एक्स को ओमिट करें तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ c बचेगा, तो अब एक्स को ओमिट कैसे करें, तो एक्स को ओमिट करने के लिए आपको कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा एक्स में, तो आप क्या डाले वैल्यू, 0 डाले क्या, अगर मैंने एक्स में 0 डाला तो 0 के साथ a भी ओमिट हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो पूरा 0 बन जाता है, अगर ये मैं यहाँ 0 डालू b के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो b भी 0 हो जाएगा, तो इस ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे a b c ये चाहिए, मुझे सिर्फ x ओमिट करना है, तो ये 0 से x ओमिट तो हो रहा है, लेकिन सब कुछ ओमिट हो रहा है, a b c भी नहीं बचेगा, है ना, तो ये नहीं डालेंगे हम, डालेंगे 1, अगर हम 1 डालते हैं इसमें, ठीक है, तो देखो 1 डालेंगे तो सब जगह डालेंगे ना, तो हम डालते हैं पूरे में 1 डालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a² + b(1) प्लस सी, ये हमने 1 डाल दिया, राइट, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, p(1) = a+b+c आ रहा है, राइट, ये बन गया, आ गया नहीं ये चीज, हाँ अब देखो यहाँ पे एक चीज, अब इन्होंने क्या बोला, इसका वैल्यू a+b+c का वैल्यू कितने ने दे रखा हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, 0, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ 0, तो क्या निकल के आ रहा है, p(1) = 0, तो p(1) अगर इक्वल टू 0 है तो बताओ ये 1 क्या है, तो 1 = 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, 1 = 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, बट हमें इन्होंने बोला 0 ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड करना है, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड करना, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, हमने निकाल तो लिया 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, बट ये ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे दूसरा 0 ऑफ द पॉलीनोमियल,
अच्छा हम रिलेशन जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, हम ये दो रिलेशन जानते हैं राइट। तो हम ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने अल्फा निकालना है, शायद ये बीटा पूछ रहे हो, ये भी तो हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में ये वाला वैल्यू तो है ही नहीं है, 1 वाला 0 ऑफ द पॉलीनोमियल तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं भी हमें दूसरा निकालना पड़े। ठीक है 1 मिनट, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बीटा कैसे निकाले है ना, क्योंकि अल्फा से तो हमें अपना आंसर मिला नहीं, अल्फा का वैल्यू जो भी हमने हमें मिला उससे हमारा आंसर आया नहीं है, तो हम बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इनमें से कोई एक रिलेशन यूज करते हैं। अगर मैंने फर्स्ट वाला रिलेशन यूज किया अल्फा प्लस बीटा, और उसमें मैंने जो मुझे 0 ऑफ द पॉलीनोमियल मिला है उसको मैंने यहाँ डाल दिया, सपोज अल्फा मिला है मुझे कितना, मिला 1, 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बीटा का वैल्यू मेरे को मिल रहा है माइनस बी बाई ए -1, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये पहला रिलेशन है, तो हमें बीटा का वैल्यू नहीं मिल रहा, जो भी मिल रहा है वो एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अब मैं अल्फा पे ये वैल्यू डाल देता हूँ, 1 इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो 1 इंटू बीटा क्या बन रहा है, बीटा ही बन रहा है, बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मेरे को मिल गया बीटा का वैल्यू, बीटा मीन 1 ऑफ द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। तो 2 0 होते हैं ना क्वाड्रेटिक में, अल्फा होता है बीटा होता है, अल्फा तो पहले मिल गया था बीटा भी मिला, अभी हमें देखना ये ऑप्शन में है कि नहीं, तो ये ऑप्शन में पहला वाला तो मैच नहीं कर रहा, हाँ ये रहा ऑप्शन बी में, नहीं, सॉरी ये भी नहीं है, कहाँ है, हाँ ये तो है सी बाई ए, है ना, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया सी बाई ए, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले हमें एक क्लू दिया हुआ था, इस टाइप का क्लू, जिस क्लू के मदद से हमने ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट किया, उसके लिए मुझे इन एक्स में कोई वैल्यू डालना हुआ था, अब ये वैल्यू डालने की वजह से मुझे ये सेम ए प्लस बी मिल प्लस सी मिल गया मुझे, और ये जैसे ही मिला मैंने इसका वैल्यू डाल दिया, इनका वैल्यू दिया हुआ था 0, तो मतलब पी ऑफ 1 डालने से मेरे को 0 मिला, और पी ऑफ 1 अगर 0 मिलता तो जो वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो उस वैल्यू को मैं 0 ऑफ द पॉलीनोमियल बोल सकता हूँ, क्योंकि उस 1 पे मेरे को 0 मिल रहा है राइट। तो अगर ये 1 0 ऑफ द पॉलीनोमियल है तो इसका मतलब अल्फा बीटा में से किसी एक का वैल्यू है, और अगर ये किसी एक का वैल्यू है तो बीटा क्या होगा, तो बीटा निकालने के लिए मैंने इन दोनों रिलेशन का यूज किया, पहला रिलेशन से मुझे ऑप्शन मिला बट वो यहाँ पे नहीं था, इसलिए दूसरा रिलेशन यूज किया, तो उससे मुझे जो बीटा मिला वो यहाँ पे ऑप्शन में था। चलो हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हम लोग, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पर हमें एक क्लू दिया हुआ है इस टाइप का, ठीक है, अगर मैं इस क्लू को थोड़ा मॉडिफाई करूँ, मैं बी को लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ तो ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी है, लेफ्ट में लेने से माइनस बी प्लस सी, और मेरे पास राइट साइड में बचेगा 0, मतलब अगर मैं प्लस बी को लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ तो मेरे को ये सीन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी का सीन बन रहा है, तो अगर मैं ये चीज यहाँ क्रिएट करना चाहूँ तो मुझे एक्स में कोई वैल्यू डालना होगा, तो हमने लास्ट टाइम डाला था 1, 1 डालने से हमें ए प्लस बी प्लस सी मिला था, इस बार हम डाल के देखते हैं -1, ठीक है -1 डाल के देखते हैं इसमें, तो पी ऑफ -1 इक्वल्स ए, देखो यहाँ पे क्या लिखा ए एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए इंटू -1 स्क्वायर, क्योंकि हम एक्स में -1 डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे बी एक्स है तो बी इंटू -1, बी इंटू -1 प्लस सी, ये हमने वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये चीज, देखते हैं इसमें ये बनता है कि नहीं बनता, ए माइनस बी प्लस सी चाहिए, तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं इसे, -1 का जो पावर है वो इवन है, इवन होने से हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में निकलता है, तो ये +1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, पॉजिटिव बी और -1 को मल्टीप्लाई करने से निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव बी आएगा, बी वन जन बी एंड प्लस सी, यस हमें ये चीज मिल गया, सेम चीज हमें यहाँ पे मिल गया, और इसका जो वैल्यू है वो है 0, तो मैं इसकी जगह इसका वैल्यू डाल देता हूँ, तो पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देखा क्या मजेदार समय है ना, तो अब मुझे पी ऑफ -1 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है -1 इसके डालने से 0 आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, -1 क्या है, -1 इज द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है पॉलीनोमियल, ये 0 ऑफ द पॉलीनोमियल है, तो इसका मतलब ये अल्फा का वैल्यू हुआ राइट। अब देखना मुझे ऑप्शन में है कि नहीं, राइट ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बीटा निकालना पड़ेगा, तो बीटा हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम वही रिलेशन पे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा का वैल्यू -1 डाल देते हैं, इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अब हमें क्या मिल रहा है, बीटा का वैल्यू हमें मिल रहा है -C/A, ये -1 हम उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे ना, तो -C/A निकल रहा है, तो -C/A हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन यस। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाता है दूसरा 0, तो आप चेक कर लेना पहला 0 से अगर काम ना बने तो दूसरा 0 आप पता लगाओ इसमें। ठीक है, तो ये दो सम काफी इंपॉर्टेंट सम है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो इनको। चलो हम अगले सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या लिखा है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिमिलर टाइप का इंफॉर्मेशन है, वही टाइप का हमें एक बार पॉलीनोमियल दिया हुआ है, सिमिलर टाइप का पॉलीनोमियल दिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन इस बार थोड़ा डिफरेंट है, इस बार दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 का मतलब ये बन रहा है कि यहाँ पे जो पैराबोला है, ठीक है, ओ वन मोर थिंग,
ये जो पॉलीनोमियल है इसके नो रियल जीरोस है। नो रियल जीरोस का ये मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इससे जो वैल्यू निकल रहा है वो निगेटिव निकल रहा है, क्योंकि इससे मैंने आपको पैराबोला समझाया था, जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव निकलता है तो इसका मतलब होता है पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। ये पैराबोला बना है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, इस तरह का पैराबोला बनेगा तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, और इस तरह का इंफॉर्मेशन है। तो नो रियल जीरोस का ये मतलब है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि जीरोस का मतलब है एक्स का वैल्यू और एक्स सॉरी एक्स का कोई भी वैल्यू, और एक्स का वैल्यू तो तभी आएगा ना जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो एक्स एक्सिस को अगर पैराबोला टच ही नहीं करेगा तो एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, राइट? अच्छा, अब देखो इस केस में हमें यहाँ पर इन तीनों का सम नेगेटिव मिल रहा है, तो मैं सिंपल सा तरीके से सिखाता हूँ। तो पहली बात तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो इसका कंडीशन ये हो सकता है, या फिर इसका कंडीशन ये भी हो सकता है, राइट? ऐसे दो केस में हो सकता है ये। अब बात है निगेटिव है, निगेटिव का मतलब है ये सारे वैल्यू निगेटिव होने का चांसेस है। अब देखो ज्यादातर वैल्यू निगेटिव इसमें आ रहा है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ए का साइन निगेटिव, क्योंकि पैराबोला डाउन साइड है, इसने वाई एक्सिस को जहां कट किया ना वो ओरिजिन से नीचे है, मतलब ये वाई एक्सिस का निगेटिव जोन है, तो सी का वैल्यू भी निगेटिव है, राइट? और इस केस में अगर देखिए तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, राइट? क्योंकि पैराबोला ओपन अपवर्ड, और इसने वाई एक्सिस को जहां कट किया वो ओरिजिन से अपसाइड में है, मतलब पॉजिटिव, तो सी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, और ये ओवरऑल का सम भी निगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस है सी, उसका हाई चांस है यहाँ पे निगेटिव होने का, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला टिक लगाएंगे। ओके, समझ में आया? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे ये ओवरऑल निगेटिव है, ओवरऑल निगेटिव है, और इस केस में हमें ज्यादा निगेटिव वैल्यूज मिल रहे हैं, इस केस में हमें ज्यादा निगेटिव वैल्यूज नहीं मिल रहे, ज्यादा पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल का जो साइन है वो निगेटिव है, ए बी सी का साइन निगेटिव है, और मुझे ज्यादा निगेटिव वैल्यूज इस वाले डायग्राम में मिल रहा है। नो रियल जीरोस के दोनों डायग्राम नो रियल जीरोस के हैं, बट इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रहा है कि मेरे को ज्यादा निगेटिव वैल्यू इसमें मिल रहा है और उसमें ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, इसलिए ऑप्शन दिस वन हम लेंगे, तो सी का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव बन रहा है। ओके, तो इस तरह से आप इसको देखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सम पे चलते हैं हम लोग। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे मैं पॉलीनोमियल को नोट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो आप इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा, माइनस पी एक्स माइनस पी एंड माइनस सी, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, जैसे ए एक्स स्क्वायर है ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स है ये पार्ट बी एक्स, और सी हो गया ये पार्ट सी। तो मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लेता हूँ, ए हो गया इसमें वन, बी हो गया इसमें माइनस पी, और सी हो गया इसमें माइनस पी माइनस सी। अब मैंने ये वन इसलिए लगाया ताकि ये और ये आपको सेम ना लगे, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे ये वन डाल के रखे ए बी सी में। तो चलो अभी यहाँ पे बोला गया कि अल्फा बीटा इस पॉलीनोमियल का जीरोस है, अल्फा बीटा इस पॉलीनोमियल का जीरोस है, आपको कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू, ठीक है? तो हम अल्फा बीटा की मदद से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस यहाँ डालते हैं, बी का वैल्यू हम डालते हैं, ये माइनस बी हमें मिला था, ए का वैल्यू वन है, सो वन आप यहाँ डाल दो तो पी निकल के आ रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू है क्या है भाई, माइनस पी माइनस सी, ये वन डाल दो आप यहाँ पे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर यहाँ भी सी है वहां भी सी है ना, तो माइनस पी माइनस सी, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू वन है तो नीचे वन आएगा, तो यहाँ पे माइनस पी माइनस सी आ गया। मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि इस टाइप का कोई भी सम होना तो आपको हमेशा ये दो चीज निकाल के रेडी करना पड़ेगा, फिर हम जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब देंगे। तो चलो आप सवाल का जवाब देने के लिए रेडी होते हैं, अल्फा प्लस वन को हमें मल्टीप्लाई करके बताना है बीटा प्लस वन और जवाब निकालना है, ठीक है? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले अल्फा से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा है ना, अल्फा को बीटा से करने से अल्फा बीटा, अल्फा से वन को करोगे तो आप अल्फा, चलो आगे करते हैं, प्लस वन से दोनों को करते हैं, प्लस वन से बीटा करोगे तो बीटा, और प्लस वन से वन को करोगे तो वन। चलो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में ना आपको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा भी मिल रहा है, जिनके वैल्यूज आपने यहाँ निकाल के रखे हैं। अब आप इन वैल्यूज को इनके जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा बीटा में आप डालोगे ये माइनस पी माइनस सी, और अल्फा बीटा में आप डालोगे पी, अल्फा प्लस बीटा में सॉरी, अल्फा प्लस बीटा में आप डालोगे पी। ओके, इसको सॉल्व करने से आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, प्लस पी माइनस पी कैंसल्ड, ठीक है? ये सॉरी ये वन था ना, ये वन था, हाँ प्लस पी माइनस पी कैंसल्ड, तो यहाँ पे बचा प्लस वन एंड माइनस सी, प्लस वन एंड माइनस सी, ये आपका आंसर मिल गया। अब ये देखना ऑप्शन में है कि नहीं, वन माइनस सी, वन माइनस सी है ऑप्शन बी, ठीक है? तो इस तरह से ये सम करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल हम देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो
तो चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपको बोला गया है 10 ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर। तो ऐसा आपको जब भी बोलेगा ना 10 इज रेसिप्रोकल द अदर, तो आप एक जीरो को अल्फा लेना एंड दूसरा जीरो को 1/अल्फा लेना, 1/अल्फा, अल्फा बीटा नहीं लेना, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली बीटा ही है, बट बीटा की जगह आपको बोला है ना कि एक जीरो दूसरा जीरो का रेसिप्रोकल, इसलिए पहला जीरो आप जितना लोगे उसी का रेसिप्रोकल आपको दूसरा लेना, मतलब बीटा की जगह आपको लेना है फर्स्ट जीरो का रेसिप्रोकल। अब इसके मदद से आपको यहाँ पे के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप की रिलेशन में, जो रेसिप्रोकल वाले रिलेशन में, हम प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जीरो डालते हैं, पहला जीरो हमारा अल्फा है, दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल, मतलब बीटा की जगह रेसिप्रोकल, और सी के जगह हम क्या डालेंगे, सी के जगह डालेंगे 4k, और ए के जगह हम डालेंगे k² + 4, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आप कैंसिलेशन करोगे तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ, और इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आओ तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k² + 4, राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 4k, है ना। इस डिनोमिनेटर को आप उस साइड भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो ले जाके। अच्छा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा है, ये 4k को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया इसलिए इसका साइन चेंज हो गया, एंड प्लस 4 राइट साइड में हमारे पास बच गया 0, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये एक्चुअली a² - 2ab + b² के फॉर्म में है, तो इसको a - b² हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे k - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये k - 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आप एक बार k - 2 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा के देखो यही आएगा, फिर आप बोथ साइड रूट कर दो तो आपको k - 2 = 0, तो आपको k का वैल्यू मिल रहा है 2। तो यस, ये जो इनका असर्शन है ये ट्रू है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि अल्फा सॉरी एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल इफ पी ऑफ अल्फा इज 0, अल्फा इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। यस, इन्होंने सारा बात सही बोला कि एक्स माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो अल्फा को जब हम इस एक्स में डालेंगे ना तो हमें 0 के बराबर वैल्यू मिलेगा, एकदम सही है। और अल्फा जो वैल्यू हम डालने पर ये 0 आ रहा है, उस अल्फा को हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन हम ऑप्शन ए को टिक नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, रीजन यहाँ पे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने प्रोडक्ट वाले रिलेशन को यूज किया था, और यहाँ पे लोग रीजन पे लोग फैक्टर थ्योरम को यूज कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग चीजें यूज हो रही है, दोनों रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों अपनी जगह ट्रू है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा चलो यहाँ लिखा है x³ + x हैज ओनली 1 0, तो जीरोस निकालने के लिए ना आप एक काम करो, ये आपका पॉलीनोमियल है और आप जीरोस कैलकुलेट करोगे, तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए आप इसे पहले फैक्टराइज करो, तो आप इसे एक्स कॉमन लो x² + 1। अब जीरोस निकालने के लिए आप इनको जीरोस पे रखो, आइदर x = 0 और x² + 1 = 0, इस तरह से आप जो भी फैक्टराइज करके आ रहा है उनको इन जीरोस पे रखो। तो यहाँ पे हमें एक x का वैल्यू मिल चुका है, लेकिन अगर मैं इसमें से x² का वैल्यू निकालूं तो मुझे मिल रहा है x² = -1, जो कि इनवैलिड है, बिकॉज स्क्वायर करने पर कभी भी निगेटिव नहीं आता, स्क्वायर एक इवन पावर है और इवन पावर जब भी होता है कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आता, हमेशा स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो हमें एक ही एक्स का वैल्यू मिला, इसका मतलब इसमें जो है एक ही नंबर ऑफ जीरो है। तो दिस पॉलीनोमियल हैज ओनली 1 real 0, तो हमें एक ही रियल जीरो मिला, मतलब ये ट्रू है। लेकिन इन्होंने बोला है यहाँ पर रीजन में क्या बोला है, अगर पावर एन है, किसी पॉलीनोमियल का डिग्री एन है तो उसमें n रियल जीरोस होंगे, मतलब अगर पावर 3 है तो उसमें 3 ही जीरो आने चाहिए, मतलब जितना डिग्री होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतना ही होंगे, इन्होंने बोला मस्ट होना ही पड़ेगा, अगर यहाँ जैसे पावर 3 है ना तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 ही जीरो होने पड़ेंगे। तो अभी हमने देखा पावर 3 था पर 3 जीरो निकले कहाँ है, हमें तो एक ही जीरो मिला ना, बाकी दो तो नहीं मिले, ये तो इनवैलिड हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनका गलत है, ऐसा नहीं है। पावर जितना भी होगा, डिग्री जितना भी होगा, जरूरी नहीं है उतना मिलेगा, हाँ मैक्सिमम उतना मिल सकता है, मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी आपकी मिल सकता है, बट किसी में मिलेगा किसी में कम मिलेगा। अगर पावर 3 है तो 3 मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन 2 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इस तरह से हम पॉलीनोमियल को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पॉलीनोमियल देखा तो यहाँ पे इस पे तो हमारा नहीं आया फॉल्स। अच्छा चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी assertion true है और reason false है, तो ये आपका option C आ जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आज के लिए हम इतने ही करते हैं questions, कल हम लोग case study करेंगे और definitely मैं कल आप लोगों को case study दे दूंगा, ठीक है। तो ये तब तक आप लोग इस MCQs को practice कर लो, आज के सारे MCQs एक से बढ़कर एक MCQs है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आया तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। अगर दिक्कत आया तो मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही और फिर कल मिलते हैं, कल केस स्टडी के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय।